अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस थ्योरम इवेंट्स के अकॉर्डिंगली। तो हम बताएंगे कि बेस थ्योरम क्या आता है हमारे पास, ठीक है, उसको हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट ये करते लिखते हैं कि हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है जिसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट है, चाहें तो आप कर सकते हैं, ना चाहें तो आप सिंपल ये स्टेटमेंट लिखें और अपना काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम एक सैम्पल स्पेस डिफाइन कर लेते हैं और उसमें बताते हैं, पार्टीशन करते हैं कि A1, A2 सो ऑन लेके एक AN तक इवेंट्स यहाँ पर अकर हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा इवेंट हम B का है, उसको हम यहाँ पर कहते हैं कि B एक ऐसा इवेंट है कि ये सिर्फ तब अकर होगा अगर AI की कोई वैल्यू हो, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पर और बता दिया कि ये जो A1, A2 और AN है ना, ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि इनके दरमियान कोई कॉमन नहीं आएगा। लेकिन जब इनको इकट्ठा किया जाएगा या इनका यूनियन लिया जाएगा तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस बन जाएगी कम्प्लीट। और अगर आप उसको लिखना चाहें तो आप इस तरह लिखेंगे कि जैसे A1, A2 एंड सो ऑन AN जो है वो पार्टीशन है ऑफ सैम्पल स्पेस की, AI जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जिसका मतलब है कि उनका इंटरसेक्शन ले तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और AI का जो यूनियन ले तो हमारे पास कंप्लीट सैम्पल स्पेस आ जाएगा। और जो B दूसरा इवेंट जो हमने कहा है, ये हमारे पास दूसरा इवेंट है S का सैम्पल स्पेस का, और B जो है कैन अकर ओनली इफ AI अकर्स, तो B तब अकर होगा जब AI अकर होगा, ठीक है। अब और हम जो क्लेम करते हैं, हम यहाँ पर ये क्लेम करते हैं कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है AI/B की, वो हमारे पास इसके इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है कि हमने उसको प्रूव कैसे करना है। सबसे पहले देखें, हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक हमारे पास ये होती है और एक हमारे पास ये होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी AI, ठीक है, गिवन दैट B, ठीक है, और इसी तरह ये आ जाएगी हमारे पास। जब यहाँ की बात करें तो AI इंटरसेक्शन B और ये वाला जो नीचे टर्म होती है प्रोबेबिलिटी B, वो नीचे आ जाती है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर भी बात करें तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी AI, ठीक है। अब जब हमने यूज़ करना है, अब देखिए बात हमारी क्या है कि दूसरा इवेंट ले रहे हैं B का, तो B जब अकर करेगा, यानी कि इस वाले ये वाली जो टर्म आएगी ना, यहाँ से जो हम लेंगे उसको हमने फर्दर यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखें ये दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब दोनों को ही हमने यूज़ करना है, तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे कि यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी जो A इंटरसेक्शन B है इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, इसको इसी साइड पर रखेंगे और ये दूसरी साइड पर चला जाएगा। जब ये दूसरी साइड पर चला जाएगा तो यहाँ पर ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन A है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने काम किया, अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी B है, अब ये जो इंटरसेक्शन है ना ऊपर वाली टर्म, इसको इसमें हमने ये चीज़ पुट कर दी, जब पुट की तो हमारे पास ये बन गई। अब इसको इक्वेशन B है और इसको हमने सेव कर लिया क्योंकि आगे हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। अब हमें क्या चाहिए, अब देखें प्रोबेबिलिटी AI है, प्रोबेबिलिटी B/AI ये भी है, अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी B, ठीक है। तो उसके लिए हम ये सारी वर्किंग करेंगे, वो कैसे कि हमने कहा इवेंट B जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि B जो है इज इक्वल होगा सैम्पल स्पेस का इंटरसेक्शन लें तो B आता है, ठीक है। इनके यानी कि जो कॉमन आएगा वो B होगा। अब जो सैम्पल स्पेस है वो अभी हमने कहा कि वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और साथ में AI जो हमने पार्टीशन किया है वो कंप्लीट यूनियन है, तो इसका मतलब है कि हम S को रिप्रेजेंट कर देंगे A1 यूनियन A2 एंड सो ऑन AN तक, ठीक है, और ये इंटरसेक्शन वैसे आ जाएगा और B वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ से जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो वो कैसे आएगा, A1 इंटरसेक्शन B साइड पे ले लिया, यूनियन लिखा और इस तरह सारी वैल्यूज ले ली। अब ये हमने खाली उसमें बात कर रहे हैं इवेंट्स में, ठीक है। जब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज की टर्म में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी है, प्रोबेबिलिटी हमने लगाई तो यहाँ पर P भी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इवेंट, और साथ में इसका ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी लगाई और ये जो यूनियन हो जाएगा ये प्लस बन जाएगा एंड सो ऑन, ये सारा ऐसे हम लिख देंगे। अब देखें ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में बन रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास A1, A2 एंड सो ऑन है, मतलब सारी वैल्यू सेम है, यहाँ पर I जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, 1 से लेके N तक, तो हमने इसको इस तरह लिख दिया। अब इक्वेशन 1 हमने लिया जो कि हमें ये कह रही है, ये है इक्वेशन 1, वो गलती से ऊपर एरो लगाती है, वो हमें ये कह रही है कि ये जो प्रोबेबिलिटी होगी A इंटरसेक्शन B की वो इस टर्म के इक्वल होगी, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये यहाँ पर रिप्लेस किया, ये हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, ठीक है, कि ये वाली टर्म इसके इक्वल है। अब इसको अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो वो कैसे करेंगे, I की जगह 1 से लेके पहले 1 लिखेंगे, फिर सम करेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना, फिर P A2 लिखेंगे एंड सो ऑन एन तक लिख देंगे, और इसको फिर अगर हम
सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखना चाहे तो देखें, ये हमारे पास ऐड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, समेशन लगा देंगे और AIPBAI लिख देंगे, और जो आई है वो 1 से लेके n तक है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। अब क्या करेंगे कि ये जो पी बी की वैल्यू है, ये जो इक्वेशन बी हमने सेव की थी उसके अंदर, वो हमारे पास इक्वेशन ये थी ना, तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी बी से पुट कर देंगे। जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस थ्योरम भी इसको कहते हैं, और यही हमने अपनी स्टेटमेंट में क्लेम भी किया था। ये देखें, थैंक यू। ये जो हमने किया था, ये हमने बेस थ्योरम प्रूव किया था विद रिस्पेक्ट टू इवेंट, लेकिन जब हम बेसियन इन्फ्रेंस की बात कर रहे होते हैं तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, डेंसिटी या मॉडल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो करेंगे, हम करेंगे बेस थ्योरम फॉर डेंसिटीज या फॉर मॉडल कह लें। अब जब इन्फ्रेंस हम करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। पैरामीटर के ऊपर हम इन्फ्रेंस कर रहे होते हैं ना, और पैरामीटर कहाँ से आ रहा होता है, वो हमारे पास कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी मॉडल से आ रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए अब हम बेस थ्योरम जो है वो हम किससे करेंगे, मॉडल से। सबसे पहले हम लिखेंगे कि वाई जो है वो हमारा डेटा है, और जो थीटा है वो हमारा पैरामीटर है या वेक्टर ऑफ पैरामीटर है। अब यहाँ पर कंडीशनल डेंसिटी हम बताएंगे कि वो हमारे पास या तो ये होती है या ये होती है, ठीक है। अब देखें, हम किसके ऊपर इन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, पैरामीटर के ऊपर। तो यानी कि किसको हमने सेव करना है, इस टर्म को हमने सेव करना है फर्दर यूज़ के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या है, हमारे पास पैरामीटर है, ठीक है। दो हमारे पास कंडीशनल डेंसिटीज होती हैं, एक वाई बाय थीटा और दूसरा थीटा बाय वाई होती है, ठीक है। जिसको हम वाई बाय थीटा को हम थीटा वाई और फिर प्रोबेबिलिटी थीटा लिख देते हैं इस तरह, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि सिंपल हम यहाँ से इन दोनों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। वो कैसे कि थीटा बाय वाई, जो प्रोबेबिलिटी थीटा और वाई की है, उसको हम एक साइड पे ले लेंगे, ये वाली जो दूसरी टर्म दूसरी साइड पे चली जाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी कि प्रोबेबिलिटी वाई दूसरी साइड पे आ जाएगी, तो खाली ये रह जाएगा। अब इन दोनों को हम अगर कंपेयर करें तो ये वैल्यू यहाँ से खत्म होगी, ये यहाँ से खत्म होगी, ठीक है। या इनको कहें कि हमने इक्वलेट कर दिया। वो कैसे कि हमने ये वाली जो टर्म है, ठीक है, पी थीटा बाय वाई इज इक्वल टू इस टर्म के, तो हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, ठीक है। कुछ भी कह लें तो सिंपल है कि आपने कंपेयर किया इन दोनों को, तो आपके पास ये टर्म आ गई है, ये वाली दोनों की खत्म होगी। अब यहाँ से देखें, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन वन है या फॉर्म वन, इसको कह देते हैं, ठीक है, आगे यूज़ करने के लिए काम आएगा। अब इन्फ्रेंस की मैंने बात की कि हम इन्फ्रेंस किसकी बेस पे कर रहे होते हैं, पैरामीटर की। यहाँ पर पैरामीटर हमारे पास क्या है, थीटा है, तो थीटा हमारे पास क्या है, डिज़ायर प्रोबेबिलिटी है या, ठीक है। और यहाँ पर इक्वेशन वन से, यानी कि इससे हमने क्या लिया है कि हमने थीटा बाय वाई को लिया, यानी कि इस टर्म को एक साइड पर रहने दिया और इसको दूसरी साइड पर जाके डिवाइड करा दिया, ठीक है। क्यों कराया, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास सैम्पलिंग मॉडल को शो कर रही होती है, तो इसलिए हमने इस टर्म को लेना है एक साइड पर और दूसरी बाकी साइड टर्म एक साइड पर ले गया। अब जो बाय एनालॉग्स टू द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इवेंट के टर्म में देखें तो वो हमने ये देखा था कि यहाँ पर इसकी इंटीग्रल की जगह समिशन आ गया था, इस तरह जो हमारे पास वो था पी थीटा था, वहाँ पर पी ए था और बाकी ये ऐसे ही था, वाई की जगह बी था और थीटा की जगह ए आई था, ठीक है, और वो इस तरह आ गए थे। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं उसमें प्रोबेबिलिटी के टर्म में, ठीक है, तो वो हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। मॉडल की टर्म में बात करें तो फिर हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, जिस तरह ये लास्ट टाइम हमने किया था, मैं दिखा भी देती हूँ कि हमने अपने क्या किया था कि जो हमारे पास इस तरह टर्म आ रही थी, हमने वो लिखा और नीचे हमने उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करा दिया, जो कि ये आई थी इस कैलकुलेशन के बाद। तो सिमिलरली कि हमने क्या किया कि अपनी वो ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी लिखी और जो नीचे हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आई थी, हमने वो यहाँ पर लिख दी, ठीक है, यहाँ से जो आई थी। अब यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर थीटा का फंक्शन तो नहीं रहेगा, काम हम किस में कर रहे हैं, हम थीटा के टर्म में, पैरामीटर के टर्म में काम कर रहे हैं, तो वो नहीं रहेगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, इलिमिनेट कर देंगे। जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ये टर्म एग्जैक्टली इस ऊपर वाली टर्म के इक्वल नहीं रहेगी, यानी कि इनमें कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड करेगी। तो हम क्या करेंगे कि हम सिंपल ये वाला जो सिंबल है इसको रिप्लेस कर देंगे। ये देखें, हम सिंपल इस साइन को साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से रिप्लेस कर देंगे। ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि जैसे डिनोमिनेटर को इग्नोर क्यों किया है, क्योंकि हम बेस स्टेटिस्टिक की बात कर रहे हैं, ठीक है,
और जब हम बेस स्टेटिस्टिक की बात कर रहे हैं तो उसमें हम इन्फ्रेंस को हम वो उस पे पैरामीटर पे कर रहे हैं जो कि हमारे पास थीटा है, और जो थीटा है वो हमारे पास नहीं आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है, क्योंकि वो फ्री हो जाएगा जब हम उसका इंटीग्रेशन लेंगे, तो इसलिए वो एग्जैक्टली उसके इक्वल नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि फिर हम बेस स्टेटिस्टिक को यूज़ करते हुए हम उसमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन ऑफ बेस फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि इसको सिंपली हम इससे रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। और इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, ये हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये हमारे पास प्रियर डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये हमारे पास लाइक्लीहुड ऑफ सैम्पलिंग मॉडल है। थैंक यू।